नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। 100 करोड़ कोरोना टीके, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और आज इस आंकड़े पर हर भारतीय को गर्व है, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन किसी चुनौती से कम नहीं था। हमने कोरोना महामारी का वो दौर देखा है जब जिंदगी इस बीमारी से लड़ रही थी। दिक्कतें बहुत सारी आई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी सवाल उठे, और जब कोरोना का टीका बना तो उसके बाद सवाल थे कि अब कोरोना का टीका लगाएंगे तो फिर लगाएंगे कैसे, क्योंकि लोगों के मन में भी कोरोना के टीके को लेकर के बहुत बड़े सवाल थे। और इन सारे सवालों का जवाब सरकार देने की कोशिश करती हुई भी नजर आई। जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का टीका कैसे लगेगा इस पर जोर दिया गया। चलिए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर क्यों जो ये कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो अपने आप में बड़ा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को पहला टीका लग चुका है, यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोग ऐसे हैं जिन्हें पहला टीका लग चुका है, जबकि 31% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लग चुका है, यानी कि दोनों टीके उन्हें लग चुके हैं। और पिछले 5 महीनों के औसतन नजर डालें तो 80 लाख डोज प्रतिदिन लगे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेजी देखने को मिली है। वैक्सीनेशन के लिए देश में 63,467 सेंटर्स हैं, यानी कि इन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि लोगों को दिक्कतें सामने ना आए। 61,270 सरकारी और 2,197 प्राइवेट सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और टीकाकरण के मामले में टॉप 5 राज्य कौन से हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य टॉप 5 की लिस्ट में हैं, यानी कि इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना टीके लगाए गए हैं। और ये जो उपलब्धि है वो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक आंकड़ा और मैं आपको दे देता हूं, दुनिया में भारत ऐसा दूसरा देश है, केवल दूसरा देश जिसने 100 करोड़ के टीके के आंकड़े को छुआ है, यानी कि जहां पर 100 करोड़ टीके लगाए गए हैं, और अपने आप में ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी फरहीन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरहीन, 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है, यानी कि 100 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। 31% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। अब 100 करोड़ का आंकड़ा तो छू लिया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी बहुत बाकी है। सोहन, काम तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन आज 100 करोड़ का आंकड़ा आप बहुत आराम से बोल रहे हैं कि हमने पार कर लिया, लेकिन इसके पीछे जो सरकार ने लड़ाई लड़ी है या किस तरह से जनता को कन्विंस किया है वो शायद अब हम लोग भूल चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि जनता को किस तरह से सरकार ने कन्विंस किया। एक नई चीज आई थी, नई बीमारी थी, नई तरह की वैक्सीन थी। आप खुद सोच सकते हैं कि एक्सप्लेन करने में किस तरह की मशक्कत सरकार को करनी पड़ी थी, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, और 16 जनवरी वो दिन था जब पहला टीका लगाया गया था, और जब बीमारी आई थी, कोरोना बीमारी आई थी, उस वक्त बड़ा सवाल ये था कि लक्षण क्या हैं इसका, अब टीका बन गया है वो किस तरह से असर करेगा और लोग उस पर भरोसा कैसे करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि सरकार का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन किया गया है उसको लेकर के भी तो सरकार की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको उस वक्त का हाल बताऊं तो आप खुद जानते हैं कि जब कोरोना आया था तो पहले तो यही नहीं था कि इसकी कोई दवाई है, कोई वैक्सीन है या कोई वैक्सीन बन सकती है। सारे देश अपनी अपनी वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे। पहले तो इसी चीज़ पे विचार हुआ कि जो देश पहले बनाने का वहां से हम वैक्सीन ले लेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने बड़े तादाद में वैक्सीन आना, इस तरह से लोगों को लगाना उतनी बड़ी चुनौती थी। सरकार ने कोशिश ये करी कि हम अपने देश की वैक्सीन बनाएं। जब देश की वैक्सीन आ गई, स्टार्टिंग में कोवैक्सीन आपकी चली, उसके बाद फिर खबरें आने लगी कि कोविशील्ड आ रही है, तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं कोवैक्सीन की लगवानी, कोविशील्ड लगवा लेंगे। उसके बाद और ज्यादा वैक्सीन आने की खबरें आई तो लोगों ने कहा नहीं दूसरी लगवा लें। कुछ लोगों की ये भी मानसिकता थी कि पहले कुछ लोग लगवा लें और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बोलती हूँ कि बहुत सी जनता ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले पॉलिटिशियंस लगवाएं ताकि उनके ऊपर देखेंगे असर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने जैसे देखा भी होगा कि बहुत से पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने लगवाई और उनको
उसके बाद जब वैक्सीन लगवाने के बाद जब उनको फीवर आया या उनको सही से फील नहीं हो रहा था, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं अब लगवाना नहीं है। इस जद्दोजहद में किस तरह से सरकार को काम करना था, इसका रिजल्ट आज आपके सामने आया है। ये सब एक खुद में बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। सरकार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उन वैज्ञानिकों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत को वैक्सीन दी है, दो दो वैक्सीन दी है, जहां पर भारत ने बल्कि ना सिर्फ अपने देश में वैक्सीनेशन किया है बल्कि दूसरे देशों को भी, आपको याद होगा कि किस तरह से वैक्सीन मुहैया कराई थी ताकि उनकी मदद की जा सके। अच्छा, हम लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, ग्रामीण भारत की मैं बात करूंगा, दूर सुदूर गांवों की मैं बात करूंगा, वहां पर वैक्सीनेशन बड़ी चुनौती थी और अभी भी कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में हैं। अभी एक रिपोर्ट में राजस्थान की पढ़ रहा था, एक खबर छपी हुई थी कि एक महिला थी वहां पर, उसे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो उसने सांप दिखाया, कहा कि अगर आप मुझे वैक्सीन लगाएंगे तो मैं आपको सांप से कटवा दूंगी। तो अभी भी तो काम पूरा नहीं हुआ। मैंने जिस तरह से पहला सवाल लिया था, लोगों के मन में जो थोड़े बहुत लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है ऐसे जिनके मन में सवाल है, उन सवालों को दूर करना भी सरकार के लिए चुनौती है। जी, ये मैं आप अगर तो देखें कि सिर्फ सिटीज ही नहीं, रूरल एरिया जितने थे वहाँ पे सरकार के लिए खुद में बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब सिटीज की तो बात छोड़ी दीजिए, उसके अलावा रूरल एरिया में ये हाल था कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि वैक्सीन नाम की कोई चीज होती है या इसे लगवाना है। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, हमें लगवानी ही नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कि जो वैक्सीन लगवाने वाले कर्मचारी थे उनको ही मना कर दिया कि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन किसी तरह से सरकार ने उनको कन्विंस किया। और अभी भी ऐसे बहुत सारे रूरल एरिया हैं जहाँ पे अभी भी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है, जो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, किसी ने एक डोज लगवा ली है। तो वहाँ की सरकारें इस पर प्लानिंग कर रही हैं, और फिर डीएम है जिन्होंने इन्फॉर्म किया। अभी देहरादून का एक केस था जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आपका कोविशील्ड लगवा रहा है तो उसको हम सेकेंड डोज लगवाने पर गिफ्ट देंगे, चाहे वो फ्री हो चाहे टीवी हो। तो इस तरह के लालच देकर लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि इस तरह से काम नहीं हो सकते। तो इस 100 करोड़ का आंकड़ा यूपी पार नहीं हुआ है, इसके बहुत ज्यादा मेहनत है सरकार को। अभी भी ऐसी जगह है जहाँ डरे हुए हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा जब लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आया और सरकार लोगों को ये कन्विंस किया कि कोविड आपको वैक्सीन लगवा लो, या आपको किसी लगवा लो, किसी भी तरह का वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं तो आपकी जान बच जाएगी। लोग प्रिपेयर हो रहे थे कि इतनी देर में खबरें फैल रही है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो गई। अब आपकी सोचिए सरकार की मेहनत से उसको पानी फिर गया, लोगों ने कहा नहीं नहीं डेथ हो रही है हम नहीं लगवाएंगे। डेथ के पीछे की रीजन बातें सामने आई, लेकिन उस वक्त जनता ये सोच रही नहीं नहीं ये फायदेमंद नहीं। और ये बात बार बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कभी ये दावा नहीं किया कि वैक्सीनेशन के बाद आपकी जिंदगी इंप्रूव है। इसी सरकार ने नहीं, आपके अंदर बहुत से लोग ऐसे आज भी हैं जिनको दो दो डोज लगने के बाद डेथ हुई है। तो आप इसके बाद अब ये सोच के बैठे हैं कि वैक्सीनेशन बेकार है, तो ऐसा कुछ ना गलत था। लेकिन उस वक्त आज जब कोरोना का टीका लग गया तो जिस तरह से लापरवाही आप नहीं बरत सकते, कोरोना महामारी, ये बात अभी भी हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि कोरोना महामारी अभी भी हम सबके बीच में है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, पाबंदियों का पहरा जरूर हटा है, ढील मिली है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना हम सबके बीच में है, और अगर आपको दो वैक्सीन भी लग चुकी है, वैक्सीन की दोनों डोज भी आपको लग चुकी है, माफ कीजिएगा, तब भी कोरोना आपको हो सकता है। इस बात को लेकर के आपको चेतावनी जो है सरकार पहले भी लगातार आपसे अपील करती रही है कि आप सावधानी जरूर बरतें। अच्छा, वैक्सीन लगा ली उसके बावजूद कोरोना हो जा रहा है, तो लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर के ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जिस तरह से आप बता भी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम वैक्सीन करती है, तो उसको लेकर के भी तो लोगों को सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए कि वैक्सीन पूर्ण इलाज भले ही ना हो लेकिन सुरक्षा कवच से कम नहीं। जैसे आप कह रहे हैं ठीक है, आज आप शायद पढ़े लिखे हैं, ये चीज समझ रहे हैं, या अब इतना वक्त हो चुका है वैक्सीनेशन के बाद कि लोगों को समझ आने लगा है कि अगर कुछ नहीं होता है, ये वैक्सीनेशन सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज भी गांव में इस तरह के लोग हैं। अब जैसे मैंने बताया कि डेथ हो रही थी लोगों की, उसके पीछे और भी रीजंस थे। बुजुर्ग लोगों में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, वीक होती है, इसलिए शायद पहले उन लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया, बाद में यूथ आए, फिर उसके बाद अब बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन आज भी गांव में किसी भी रूरल एरिया में ऐसे मैंने ये खबरें भी मैंने पढ़ी हैं कि जहाँ पे जब वैक्सीनेशन हो गया किसी और वजह से उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो वहाँ के लोगों ने कसम खाली वैक्सीनेशन नहीं कराना है, जब मरना ही है तो ऐसे ही मरेंगे। कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद कुछ अजीब तरह के सिम्टम्स नजर आए, जैसे फीवर ज्यादा दिन तक आ गया,
उसके अलावा अब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो लोगों ने कहा नहीं ये सब वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है तो इसको ही हटाओ। तो इस मानसिकता से लड़ना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ वो लोगों को थोड़ा सा कन्विंस कर रही है, इतनी देर में नई नई चीजें आ रही, क्योंकि सरकार भी किसी चीज को पूरी तरह से फाइनलाइजेशन करके नहीं दे सकती ना कि ये चीज होगी ये चीज होगी। आज आपको अगर आप वक्त याद करें तो डेंगू के टाइम पे भी सिम्टम्स पता नहीं थे, मलेरिया के टाइम पे भी स्टार्टिंग में नहीं थे, धीमे धीमे करके इस चीजों पे पता चला, लोग अवेयर हुए, ऐसे ही कोरोना एकदम से आया, इसके बारे में आप पता करने में बहुत खतरा है, ऊपर वैक्सीन आ गई ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को लगवाना उससे भी बड़ी बात है, और आज भी लोग नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन क्योंकि उनको लग रहा है, बहुत से लोगों को खैर फोबिया होता है, डर लगता है कि वैक्सीन वैक्सीनेशन कराएंगे सुई होगी कुछ होगा, लेकिन अब कुछ लोग ये चीज समझने लगे हैं कि ये इम्यून बूस्टर है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगी, इसलिए लगवाना है। आपने चुनौतियों का जिक्र किया। 100 करोड़ लोग जो है वो टीके तो लग चुके हैं, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती बड़ी है। संपूर्ण वैक्सीनेशन का सपना सरकार ने देखा है, क्या लगता है आपको इन चुनौतियों से पार पाने में कितना वक्त लग जाएगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अभी सरकार को? देखिए सामना तो सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि जहां अभी तक सामना करती आ रही है सरकार तो आगे भी करेगी। अब जैसे आपने कहा कि हमारे देश ने दूसरी कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कराई, उसी टाइम पे हमारे देश में प्लॉट्स कम हो गए, बहुत से लोग वहां पे गए, मारा मारी हुई, भीड़ लगी, उसमें क्या हुआ, पीक टाइम था तो जिनको कोविड नहीं था उनको भी कोविड हो गया, भीड़ हद से ज्यादा थी, तो ये सब चुनौतियां तो थी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा सरकार के ऊपर कि जब अपने देश की पूरी वैक्सीन नहीं हो रही है तो आप दूसरी देशों को क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, जायज बात, पहले अपने देश का कोई भूखा इंसान पहले अपना पेट भरेगा, दूसरों को खाना थोड़ी ना देगा, लेकिन अब पड़ोसी देश है उनकी भी मदद करना जरूरी थी। इस बीच में कोविड के केसेस भी बढ़े लेकिन धीमे धीमे इस कमी को पूरा किया गया और आज स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि हमको स्लॉट अवेलेबल नहीं होते, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम वर्किंग है, हमें जब हम जाते हैं तो हम स्लॉट नहीं मिलते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि पूरी तरह से सरकार इस चीज को पूरा कर पाए, और इसी कोशिश को करने के लिए जितनी भी चुनौतियां आएंगी उतनी वो तो पार कर रही ही है। और चुनौतियां केवल ऐसी वैसी चुनौतियां नहीं है, कोरोना ही चुनौती नहीं है। जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से राजनीति हुई है पूरे मसले को लेकर के, ऐसे में विपक्ष भी बड़ी चुनौती बन रहा था। आपने देखा होगा कि जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य थे वो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल उठा रहे थे, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि हमने बीच में ऐसी खबरें भी देखी थी कि लोगों की जो लाइनें हैं वो वैक्सीन सेंटर के बाहर लगी हुई हैं, वैक्सीन नहीं है, दो दो तीन तीन दिन तक जो वैक्सीन सेंटर बंद है। लेकिन अब जो राहत की बात है वो ये कि जो उत्पादन है वो बड़ा है, और अब आप कोई भी प्रोसेस शुरू करेंगे तो शुरुआत में जो अड़चनें आएंगी उससे पार पाना बेहद ज़रूरी होता है। सरकार ने, आपको नहीं लगता कि अब जो पहले दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें अब नहीं आ रही, और सरकार वैक्सीनेशन को लेकर स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ रही है, और अब जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो बेहतर रणनीति का ही एक हिस्सा है कि अब जो परिणाम है वो बेहद ही सुखद हैं, और उन्हीं परिणामों का नतीजा है कि अब 100 करोड़ का आंकड़ा छूटा है और जल्द भारत जो है वो संपूर्ण वैक्सीनेशन की तरफ भी बढ़ेगा। चुनौतियां तो देखिए बहुत थी, बीच में ये खबरें भी आई थी सोहन कि जैसे आपने फर्स्ट डोज लगवाया तो आपने लगवाया कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज, उसके बाद कोविशील्ड मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सी जगह पे लोगों को जल्दी की बाजी के चक्कर में कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगा दिया गया। अब लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि जब हम फर्स्ट डोज पहला लगवा रहे हैं कोवैक्सीन का, दूसरा लगवा रहे हैं कोविशील्ड का, क्या ये असरदार है? अब इस पे फिर जब चीजें हुई तो फिर उसके बाद इसका समाधान निकाला गया, तो ये कहा गया कि नहीं, जिस चीज का पहला वैक्सीन आपने लगाया है वही सेकंड डोज आप लगवाएंगे, इवन पर्चा दे जो दिया जा रहा था वेरिफिकेशन कार्ड उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट डोज जो है वही सेकंड डोज आप लगवाएं, ड्यूरेशन बीच में बहुत ज्यादा था, 84 डेज का गैप था, तो जनता ने ये भी सवाल उठाया कि इतना गैप क्यों किया जा रहा है। फिर बीच में जो लोग फॉरन कंट्री जाने वाले थे उनका वैक्सीनेशन थोड़ा पहले करा दिया गया कि 84 डेज से पहले उनका वैक्सीनेशन हो जाए, फिर जनता ने सवाल उठाया उनका पहले कराया जा रहा है हमारा क्यों कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 84 डेज से ज्यादा हो जाए या 84 डेज तक पहली वाली वैक्सीन का असर कम हो जाए, बहुत तरह के सवाल, तो सवाल होना लाजमी है कि नई चीज थी, नई बीमारी थी, सारा सिस्टम नया था, सब कुछ करने के पीछे बहुत मेहनत की गई है। तो इवन आप ये सोचिए हम एक बंदा है घर का और जाके वैक्सीन लगा के आ रहा है, लेकिन तो वहाँ पे मेडिकल टीम है वो तो मेहनत कर रही है, एक एक नर्स ने या स्टाफ ने किस तरह से सारे लोगों को मैनेज किया, भीड़ को कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करवाया, आपकी सिक्योरिटी रखी,
भीड़ को कंट्रोल करना बहुत बड़ा एक सवाल था। इजी लोग भी आ रहे हैं, यंगस्टर्स, कंट्रोल करने के बाद आज ये हमको रिजल्ट मिले जो आपके सामने है। बेहद ही सुखद है, और लेकिन इन जो सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं उसके पीछे सरकार ने जिस तरह से चुनौतियों का सामना किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी बात कर लेते हैं, जब वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें, हालांकि हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, और केरल में जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, आज भी वहां पर 11,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, तो वो अभी चिंता का विषय वहां पर बना हुआ है। और क्या आपको नहीं लगता कि केरल जो है वो अब हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगाने की जरूरत है? इसके अलावा तीसरी लहर के जिक्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर तीसरी लहर आती है तो जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, बच्चों के लिए सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीन भी नहीं आई है, बच्चों का सुरक्षा कवच कैसे होगा, उनके लिए सावधानी बरतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब जब स्कूल खोल दिए गए हैं तो ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अब अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, क्योंकि जिस तरह से त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भीड़ लगेगी, और भीड़ जब लगेगी तो उसके बाद खतरा बढ़ेगा। बच्चे कितने सुरक्षित तीसरी लहर से आपकी नज़र में? देखिए सोहन, सुरक्षित अभी कोई भी नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं वैक्सीनेशन का और जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा वैक्सीनेशन कुछ तो कारगर है और इस चीज से फायदा हो रहा है। थोड़ा सा लोग सतर्क हैं, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। और बच्चों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर ये चीज बिल्कुल सेफ होती है तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कराने का जिक्र भी नहीं होता। आज बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, किसी तरह से वैक्सीन आ जाए, बच्चों को लग जाए। बच्चों को वैक्सीन लगवाना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, स्कूल टाइम होता है, कुछ होता है वहां पे, किस तरह के बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, किस फैमिली से आ रहे हैं, हर चीज ध्यान रखनी होगी। और ऊपर से बीमारियों का टाइम भी है, फेस्टिवल का टाइम आप बता रहे हैं, ये भी है। तो लापरवाही अभी भी कटा भारी पड़ेगा, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसको जितना हो चुका है, हमारी सरकार ने, सारी जनता ने, सारे देशवासियों ने जिस तरह से मेहनत करी है, वो आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने है, लेकिन ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बाकी है। आधी लड़ाई हम, आधी जंग हम जीत चुके हैं कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं, लेकिन आधी जंग जीतना अभी बाकी है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरह से फरीन ने बताया कि आधी जंग हम जीत चुके हैं और अभी, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई, और बीच लड़ाई में अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरीन तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, और आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी, किस तरह से कोरोना से अगर लड़ना है, कोरोना से अगर पार पाना है, तो उसमें जनता की भागीदारी कितनी अहम है वो फरहीन ने बताया। और अगर आपको कोरोना की दोनों डोज भी लग चुकी हैं या फिर सिंगल डोज आपको लगी है, तो इसके बावजूद लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। और बच्चों की जहां तक बात रही, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, भले ही कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई है, दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन त्योहारों का मौसम है, तो हम तो यही कहेंगे कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, जो भी कोरोना गाइडलाइन सरकार ने जारी की हैं उनका पालन जरूर करें, ताकि जो संपूर्ण वैक्सीनेशन का सपना भारत सरकार ने देखा है उसमें सहयोग आपका हो सके। आप अगर कोरोना का टीका लगवाएंगे तो आपके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन करेंगे, समय समय पर हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होगा, और आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो उसको जो है अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करेंगे, ताकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जिस तरह से सहयोग जनता ने अब तक दिखाया है वो आगे भी जारी रहेगा, और भारत जल्द, उम्मीद तो यही है कि भारत जल्द ही संपूर्ण वैक्सीनेशन के सपने को भी पूरा करेगा, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का हर एक सिपाही, भारत का हर एक नागरिक मजबूती के साथ खड़ा हो सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बिस्तर न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।